याद रखेंगे बाबा का महावाक्य, जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं सम्मान परछाई की तरह उनके पीछे आता है। सभी ध्यान दें, बहने कहें हमारा पति सम्मान नहीं देता, सुनता नहीं, बच्चे बात नहीं सुनते, भाई कहें समाज में हमें सम्मान नहीं मिलता, जॉब में लोग हमारी मजाक करते हैं, हमारी बात नहीं मानते, स्वमान से सब सहज हो जाएगा। करके अनुभव करना है सबको, स्वमान सम्मान का पात्र बना देता है। स्वमान हमारे उसी स्वरूप को जागृत कर देता है। स्वमान पर बहुत ध्यान देना है। अभी हम बाबा का आह्वान करेंगे और आह्वान यहाँ नहीं, आप अपने अपने घरों में बाबा को बुलाएंगे यहाँ से। अब लाल लाइट करो भाई, चले ले चलो बुद्धि को परम धाम। और स्थिर कर दें अपनी बुद्धि को सर्वशक्तिवान पर। महाज्योति परम धाम में चमक रही है, उसकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों दूर दूर तक फैल रही हैं। बाबा को प्यार से निमंत्रण दें, हे सर्वशक्तिवान, मेरे खुदा दोस्त, मन के मित्र, हम आपके प्यारे बच्चे आपको बुला रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे घर में आ जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। बाप दादा हमारे घर में, उनके अंग अंग से पावरफुल किरणें पूरे घर में फैलने लगी हैं। बाबा चारों ओर घूमकर सब जगह दृष्टि दे रहे हैं।
हमारे घर से बैड एनर्जी नष्ट होने लगी, घर के सभी भी घन लोप होने लगे, घर में सुख शांति प्रेम के वाइब्रेशंस फैलने लगे, अब मैं बाबा के सामने हूं, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, और दृष्टि देखकर बाबा वापिस अपने धाम ओम शांति। ऐसे बुलाया करेंगे बाबा को, इजी है, इतना भी टाइम ना हो, बाबा आ जाओ, बस आ गए, इतना ही है, परीक्षा देने गए हैं बच्चे, बाबा आ जाओ मदद करना, मदद मिलने लगेगी। 5 बार करो, सुखद फीलिंग होगी, चित्त शांत होगा। संकल्प करना घर में सुख शांति चैन विश्राम फैलता जा रहा है। ये भूलना नहीं है कि जैसे संकल्प हम करेंगे वाइब्रेशंस वैसे ही बनेंगे।